हेलो एवरीवन, आज से हम लोग पावर सिस्टम स्टार्ट करेंगे। और सबसे पहले अभी हम लोग सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। तो जो सबसे पहला टॉपिक होगा हमारा वो है ट्रांसमिशन लाइन। इसमें सबसे पहले हम लोग बेसिक देखेंगे, इसके बाद ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर्स, ट्रांसमिशन लाइन परफॉर्मेंस, वोल्टेज कंट्रोल, कोरोना इंसुलेटर, डिस्ट्रीब्यूशन और केबल्स। ओके, तो ये सबसे पहला रहेगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे जनरेशन। जनरेशन मेथड, लोड फ्रीक्वेंसी कंट्रोल, इकोनॉमिक फैक्टर्स, इसके बाद इकोनॉमिक लोड डिस्पैच, देन लोड फ्लो। ठीक है, आप लोग इसे नोट कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग थर्ड चैप्टर जो होगा हमारा फॉल्ट एनालिसिस। इसमें हम लोग सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल और जेड बस एल्गोर देखेंगे, जेड बस एल्गोरिदम। इसके बाद स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी में हम लोग स्टेडी स्टेट, ट्रांजिएंट स्टेट, फॉल्ट एरिया, क्राइटेरिया। फिफ्थ चैप्टर जो होगा हमारा प्रोटेक्शन से रिलेटेड होगा, जो कि सर्किट ब्रेकर और रिले। फिर सिक्स्थ पे हम लोग फाइनली डिस्कस करेंगे एचवीडीसी सिस्टम। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट सिलेबस रहेगा पावर सिस्टम का। ओके, तो जो भी स्टूडेंट किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो बेसिकली वो मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। और अभी मैं सबसे पहले पावर सिस्टम स्टार्ट कर रहा हूँ, फिर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इसके बाद हम लोग नेटवर्क थ्योरी वगैरह जितने भी टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं इलेक्ट्रिकल के, वो सारे हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अभी हम लोग पावर सिस्टम फिनिश करने वाले हैं। ओके, अब हम लोग सबसे पहले बेसिक को देखते हैं। तो बेसिक में सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव जो होता है पावर सिस्टम का वो क्या है, बेसिकली मेन ऑब्जेक्टिव क्या है पावर सिस्टम का, वो हम लोग सबसे पहले देखते हैं। ओके, तो हेडिंग डालते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव्स
ऑफ पावर सिस्टम। ओके, तो सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव होगा हमारा वो होगा कि कॉस्ट जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वो कम से कम होनी चाहिए, यानी कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी मस्ट बी मिनिमम। तो इसमें हम लोग बेसिकली पावर जनरेशन मेथड, इकोनॉमिक फैक्टर्स, इकोनॉमिक लोड डिस्पैच, लोड फ्लो स्टडीज, ये सारी चीज़ें देखते हैं, जिससे हम लोग बेसिकली ये कर पाते हैं कि जो कॉस्ट जो इलेक्ट्रिकल हम लोग एनर्जी जनरेट कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है, तो वो हम लोग मिनिमाइज़ कर पाए। अब ये है कि देखते हैं, मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ, बताता हूँ। जैसे हम लोग ट्रांसमिशन लाइन की बात कर रहे हैं, ठीक है, जब हम एसी ट्रांसमिशन की बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हम लोग बेसिकली जहाँ पे डिस्टेंस काफ़ी कम होता है तो हम लोग एसी ट्रांसमिशन की ओर जाते हैं, और लॉन्ग ट्रांसमिशन के लिए हम लोग बेसिकली एचवीडीसी सिस्टम की ओर जाते हैं। इसका रीज़न ये है कि जो एसी इंस्टॉलेशन है, ठीक है, यदि हमारे पास डिस्टेंस काफ़ी कम है तो हम लोग एसी में जाने का रीज़न ये है कि इसका इंस्टॉलेशन वगैरह का जो चार्ज है वो हमारा काफ़ी कम होता है, और एचवीडीसी का जो इंस्टॉलेशन है वो काफ़ी कॉस्टली होता है, तो बेसिकली वो लॉन्ग डिस्टेंस पे ही हमारा ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं, अभी आगे हम लोग देखेंगे, तो मैं खाली पॉइंट्स लिख रहा हूँ कि हम लोग यदि हम कॉस्ट को मिनिमाइज कर रहे हैं तो बेसिकली हम लोग क्या क्या चीज़ें स्टडी करने वाले हैं, और जितनी भी चीज़ें आगे जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं उनको फॉलो करने के लिए हमें क्या क्या टॉपिक कवर करने होंगे, तो वो हम लोग यहाँ पे इस ऑब्जेक्टिव वाले पॉइंट में देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखेंगे पावर जनरेशन मेथड, फिर हम लोग बात कर सकते हैं इकोनॉमिक फैक्टर्स की, इकोनॉमिक लोड डिस्पैच, लोड फ्लो स्टडीज। ठीक है, तो ये पहला ऑब्जेक्टिव है हमारा। सेकंड जो है हमारा रिलायबल पावर सिस्टम, मीन्स कंटिन्यूअस, इज टू बी अवेलेबल। जनरेशन मेथड, इसमें हम लोग देखेंगे ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, एचवीडीसी। ठीक है, तो ये सेकंड ऑब्जेक्टिव के लिए हमारे ये चार पॉइंट्स कंसीडर हो सकते हैं, जनरेशन मेथड, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और एचवीडीसी। थर्ड है रेटेड वोल्टेज, इज टू बी सप्लाइड टू ऑल द कंज्यूमर्स। तो इसमें बेसिकली हम लोग वोल्टेज और रिएक्टिव पावर
कंट्रोल को देख सकते हैं। फोर्थ है रेटेड फ्रीक्वेंसी इज टू बी सप्लाइड टू ऑल कंज्यूमर्स, दैट मीन्स हमारे इंडिया में 50 हर्ट्ज है। ओके, लोड फ्रीक्वेंसी कंट्रोल यहाँ पे हम लोग देखेंगे, मतलब हमें जो भी ऑब्जेक्टिव हमारे हैं इनको फॉलो करने के लिए हमें ये सब टॉपिक को देखना होगा। बेसिकली यहाँ पे हम लोग यदि रेटेड फ्रीक्वेंसी चाह रहे हैं तो हम लोग लोड फ्रीक्वेंसी कंट्रोल को से हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं। बेसिकली कैसे हमें इस रेटेड फ्रीक्वेंसी को मेंटेन रखना है, वोल्टेज रिएक्टिव पावर से कैसे हम लोग रेटेड वोल्टेज को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब रेटेड वोल्टेज कैसे हम लोग रखेंगे, है ना। तो ये चीज़ हम लोग इन टॉपिक्स के अंदर में देखेंगे ठीक है। पांचवा जो ऑब्जेक्टिव है फास्ट फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन एंड आइसोलेशन ऑफ फॉल्टी सेक्शन फ्रॉम हेल्दी सेक्शन हैज टू बी अवेलेबल। इसमें हम लोग फॉल्ट एनालिसिस और स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन से इस ऑब्जेक्टिव को हम लोग फुलफिल कर सकते हैं। ओके, सिक्स्थ है हमारा स्टेबल जनरेटर्स आर टू बी अवेलेबल सो दैट जनरेशन शुड नॉट लूज सिंक्रोनिज्म ड्यूरिंग डिस्टर्बेंस। इसके लिए हम लोग स्टेबिलिटी पे जाएंगे। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके या पॉज करके नोट करते जाना। सेवेंथ, फ्लेक्सिबल पावर ट्रांसफर हैज टू बी अवेलेबल ओवर वाइड रेंज ऑफ वोल्टेज। ओके, इसमें हम लोग पावर केबल
को देख सकते हैं। ओके इसके बाद बेसिक में एक चीज़ और देख लेते हैं, जो स्ट्रक्चर है ट्रांसमिशन का वो किस तरीके से होता है। यहाँ पे मैंने डायग्राम बना रखा है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि सबसे पहले हमने जनरेट किया, यानी यहाँ पे हमारा जनरेशन है, ठीक है। जनरेशन के बाद हमने देखा कि यहाँ पे सबसे पहले 20 किलो वोल्ट से हमने 765 किलो वोल्ट किया, यानी 765 किलो वोल्ट पे, यानी लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज में किया, जिससे हम लोग इसे ट्रांसमिट कर पाए, यानी यहाँ पे हम लोग स्टेप अप कर रहे हैं। स्टेप अप करने के बाद हमने क्या किया, यहाँ पे स्टेप डाउन किया है, ठीक है। तो ये जितना पार्ट है हमारा, यहाँ से यहाँ तक हमारा जनरेशन है, ठीक है। यानी यहाँ से हम लोग जितना चीज़ देख रहे हैं वो हमारा ट्रांसमिशन के अंदर में आएगा। ट्रांसमिशन के बाद हमारा ये वाला पार्ट डिस्ट्रीब्यूशन में आएगा, किस तरीके से हम लोग पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि सबसे पहले हमने 20 किलो वोल्ट से हाई वोल्टेज पे लेके आए, ठीक है। ये मैंने एग्जांपल लिया है, यहाँ पे कुछ और भी हो सकता है, मैं स्टैंडर्ड वोल्टेज आपको बता दूंगा अभी, ठीक है। और यहाँ पे सबसे लास्ट में हमने देखा कि 33 से 11 किलो वोल्ट आ चुका है। फिर हम क्या करते हैं, 11 किलो वोल्ट से अपने घरों के लिए फिर यहाँ पे हम लोग 400 वोल्ट, यहाँ पे लाइन टू लाइन वोल्टेज है, तो ये हम लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे घर के पास भी आप लोग कभी देखोगे कहीं पे ट्रांसफार्मर जो लगा रहता है, वहाँ पे 11 किलो वोल्ट सप्लाई आ रही होती है, फिर वहाँ से वो 400 वोल्ट पे हमारे घरों पे आ रहा होता है, यानी लाइन टू लाइन मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, ओके। इसके बाद एक चीज़ और हम लोग बेसिक में डिस्कस कर लेते हैं, जो कि है स्टैंडर्ड वोल्टेजेस यूज्ड इन इंडिया। मतलब कौन कौन से स्टैंडर्ड वोल्टेज हैं जो कि हम लोग ट्रांसमिशन में या डिस्ट्रीब्यूशन में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वो सारा एक बार लिख लेते हैं और आप लोग इसे याद कर लेना। तो यहाँ पे मैं जितनी भी चीज़ें लिखूंगा वो बेसिकली होंगी HVAC RMS लाइन टू लाइन वोल्टेज, ओके। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ट्रांसमिशन नेटवर्क वोल्टेजेस। यहाँ पे हम लोग देखेंगे 1200 किलो वोल्ट, 765 एंड 400 किलो वोल्ट, 220, 130 किलो वोल्ट एंड 66 किलो वोल्ट। और जो इंडिया में फ्रिक्वेंसी होती है वो हमें पता ही है, 50 हर्ट्स होती है, ठीक है। और यहाँ पे ये वाला जो है हमारा 1200 किलो वोल्ट जो है ये बन रहा है हमारा वारधा टू औरंगाबाद महाराष्ट्र में, ठीक है। ये अभी अंडरगोइंग है, ठीक है, बाकी सब हमारे रनिंग में, आप लोग देख सकते हो एक बार। इसके बाद अभी हम बात करें डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क वोल्टेज की, वो क्या है। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क वोल्टेजेस, थर्टी थ्री किलो वोल्ट जो मैंने अभी डायग्राम में भी बनाया था एंड 11 किलो वोल्ट। इंडस्ट्रियल पर्पस से यदि हम बात करें वहां पे होता है 6.6 किलो वोल्ट, 3.3 किलो वोल्ट, 1.1 किलो वोल्ट और 400 वोल्ट। और जो हमारे घर में है वो तो सबको पता ही है, 230 वोल्ट, यानी ये हमारा है फेस वोल्टेज, ठीक है। और एक और चीज बच गई, HVDC। यदि मैं HVDC की बात करूं तो प्लस माइनस 500 किलो वोल्ट, प्लस माइनस
800 किलो वोल्ट, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग जानते हैं फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 0 हर्ट्ज, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।